नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत बंद का बिहार में दिखा मिलाजुला असर। बिहार लैंड सर्वे में 9000 से ज्यादा कर्मी तैनात। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास के लिए नई प्रक्रिया लागू। सड़क सुरक्षा मानकों के सुधार के लिए धार्मिक और पर्यटन मार्गों का होगा सर्वे। ऋषभ पंत ने थलाइवा अंदाज में कराया फोटोशूट। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत बंद का बिहार में दिखा मिला जुला असर। एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में आज भारत बंद है। बिहार में इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पटना की सड़कों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई। वही दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति को रोका गया। आरा, पूर्णिया, बक्सर, शेखपुरा में यातायात बाधित रहा। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को अवरुद्ध कर दिया, जबकि आरा में सहरसा रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन को भी रोका गया। मधुबनी में जयनगर समस्तीपुर सवारी गाड़ी को करीब एक घंटे तक रोक कर रखा गया। खगड़िया में हालांकि जाम का कोई खास असर नहीं देखने को मिला और बाजार खुले रहे। बिहार लैंड सर्वे में 9000 से ज्यादा कर्मी तैनात। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम 20 अगस्त से शुरू हो गया है। इसके लिए सभी मुख्यालयों में सर्वे शिविर कैंप स्थापित किए गए हैं। जहां अंचल कार्यालयों में स्थान की कमी थी, वहां ये कैंप आधुनिक रिकॉर्ड रूम और पंचायत सरकार भवनों में स्थानांतरित किए गए हैं। करीब 9888 नए बहाल किए गए सर्वे कर्मियों को ट्रेनिंग देने के बाद इस काम में लगाया गया है। शुरुआती चरण में उन गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा जहां खेसरा या जमीन के प्लॉट की संख्या 2000 से कम है। इसके बाद उन गांवों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां खेसरा की संख्या 5 से 10 हजार के बीच है। हालांकि दियारा इलाकों, टोपोलैंड और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित क्षेत्रों में ये सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। बिहार में 2000 कृषि समन्वयकों की होगी नियुक्ति। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कृषि भवन में 51 नव नियुक्त कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए बड़ा ऐलान किया। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में कृषि समन्वयकों के 2000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित होगा। इसके साथ ही बीपीएससी द्वारा 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा, जिनको एक माह के भीतर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 155 नव चयनित सहायक निदेशकों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि विभाग में सभी रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। 6 अफसरों का रुका वेतन, 14 पैक्सों पर केस दर्ज। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के तहत धान अधिप्राप्ति और सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान पालीगंज, दुल्हिन बाजार, विक्रम, धनरुआ, बेटा और नौबतपुर प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की लापरवाही सामने आई। जिलाधिकारी ने बताया कि इन सभी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनका वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि चावल प्राप्त करने की अंतिम तिथि पहले 20 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लापरवाही के चलते 14 पैक्स पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 9 अन्य पैक्स को भी चिन्हित किया गया है, जिन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास के लिए नई प्रक्रिया लागू। बिहार सरकार ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास कार्यों को लेकर एक नई प्रक्रिया लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर 3 स्तर की कमेटियों का गठन किया गया है। इन कमेटियों में से 2 मुख्यालय स्तर पर और 1 जिला स्तर पर काम करेगी। सरकार के आदेश के अनुसार छोटे मोटे विकास कार्य जैसे कि वर्ग कक्ष निर्माण, प्रयोगशाला निर्माण और जीर्णोद्वार जैसे कामों के लिए विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिनका अब प्राथमिकता के आधार पर मूल्यांकन होगा। प्राथमिकता वाली योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा की जाएगी। मुख्यालय स्तर की कमेटी नई योजनाओं का चयन और अनुशंसा करेगी, जबकि जीर्णोद्वार योजनाओं का चयन भी मुख्यालय स्तर पर ही होगा। वही अंगीभूत महाविद्यालयों की योजनाओं की अनुशंसा जिला स्तरीय कमेटी करेगी। सड़क सुरक्षा मानकों के सुधार के लिए धार्मिक और पर्यटन मार्गों का होगा सर्वे। परिवहन विभाग ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग ने ऐलान किया है कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर सड़क सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाए।
विभाग ने कहा कि अब ऐसे सभी मार्गों का सर्वे कराया जाएगा जिनसे यात्रियों की भारी भीड़ गुजरती है। विभाग सर्वे के बाद सभी सुरक्षा मानकों की खामियों को दुरुस्त करने की योजना बनाई गई है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर DTO और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ये सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद तैयार रिपोर्ट की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाएगी और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों के सहयोग से आवश्यक सुधार किए जाएंगे। बिहार में TB से मुक्ति के लिए लैब टेक्नीशियन के बहाली। बिहार सरकार ने राज्य को 2025 तक TB मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत सरकार 500 से ज्यादा लैब टेक्नीशियन की बहाली करेगी जिसमें TB की जांच और उपचार की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने TB नोटिफिकेशन के लक्ष्य को 90% तक पहुंचाने का निर्देश सभी जिला को दिया है। इस प्रस्ताव पर कार्रवाई विभागीय स्तर पर चल रही है और इसके खर्च का आकलन करने के बाद इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। इसमें मुखिया का भी सहयोग लिया जाएगा। शिक्षा विभाग की नकेल, शिक्षकों की लापरवाही पर कार्रवाई। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग ने शिक्षक और विद्यालय की प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। ई शिक्षा कोष के तहत बच्चों की डाटा की नियमित एंट्री और निगरानी में लापरवाही बरतने पर DEO कुंदन कुमार ने 18 हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक लगा दी है। इन विद्यालयों में बच्चों की एंट्री का प्रतिशत 60 से नीचे रह गया था। DEO कुंदन कुमार ने कहा कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो संबंधित प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही DPO SSA दीपक कुमार ने चेतावनी दी कि प्रविष्टि में लापरवाही बरतने वाले 112 विद्यालय संचालकों को UDIS कोड रद्द कर दिया जाएगा जिससे स्कूल को मिलने वाली सभी सुविधाएँ वापस ले ली जाएंगी। बिहार में खनिजों के खनन और परिवहन के लिए बन रही नई नियमावली। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लघु खनिजों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालू और पत्थर जैसे लघु खनिजों के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए विभाग ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इन उपायों में चालान की नई व्यवस्था, बालू घाटों पर सुरक्षा कैमरों की स्थापना और विभिन्न जिलों में चेक पोस्ट का निर्माण शामिल है। इसके अलावा अब ड्रोन से निगरानी रखने का नियम भी लागू किया गया है और वाहनों पर अलग से निबंधन संख्या लिखना अनिवार्य किया गया है। पटना पुरी स्पेशल ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे, जाने पूरा शेड्यूल। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन नंबर 08439-08440 पूरी पटना पूरी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह पूजा स्पेशल ट्रेन 5 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक चलेगी और मोकामा, किउल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर के रास्ते यात्रा करेगी। ट्रेन नंबर 08439 पूरी पटना पूजा स्पेशल प्रत्येक शनिवार को पूरी से 2:55 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 9:25 पर पटना पहुंचेगी। वही वापसी में ट्रेन नंबर 08440 पटना पूरी पूजा स्पेशल हर रविवार को पटना से 1:30 चलेगी और अगले दिन सुबह 9:45 पर पूरी पहुंचेगी। साथ ही यात्रियों को सुविधाओं को देखते हुए सरायगढ़ देवघर स्पेशल ट्रेन को 22 सितंबर तक चलाया जाएगा। पुलिस थानों के मालखानों की स्थिति में बड़े बदलाव की तैयारी। बिहार के पुलिस थानों के मालखानों की स्थिति में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस नए सुधार कार्यक्रम के तहत राज्य में एक केंद्रीयकृत मालखाना की स्थापना की जाएगी। इससे पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामान और सैंपल को एक जगह पर सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक CID ने पुलिस मुख्यालय को इस प्रस्ताव के बारे में सूचित कर दिया है। ई मालखाना के तहत मालखानों में रखे सामान की ऑनलाइन एंट्री और बारकोडिंग की योजना बनाई जा रही है जिससे सामान को ढूंढने में सहजता होगी। उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्रा ने किया नामांकन। आज बिहार में राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन NDA की ओर से RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के उम्मीदवार मनन कुमार मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया।
दोनों ही अपने अपने दलों की ओर से राज्यसभा की सीट पर निर्विरोध जीत के संभावित दावेदार हैं। बिहार में एनडीए के पास बहुमत होने के कारण इन दोनों उम्मीदवारों को विधायकों से अधिकतम समर्थन मिलना तय है। इस स्थिति के कारण राजद को इस चुनाव में एक सीट का नुकसान झेलना पड़ सकता है। जातिवाद की राजनीति करने के आरोप पर प्रशांत किशोर का जवाब। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जातिगत राजनीति के आरोप पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनसुराज की मुख्य भावना ये है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति मौजूद है और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज से ताल्लुक रखता है। प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुराज सुनिश्चित करेगा कि समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उनका कहना था कि जो समाज सबसे अधिक पिछड़ा है उसे सबसे पहले अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी राजद और उसके नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। मांझी बोले 95% संपन्न दलित ले रहे हैं रिजर्वेशन का लाभ। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने आरक्षण को लेकर कहा कि एससी एसटी समुदाय की जिन जातियों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा गया है उन्हें आरक्षण में उपवर्गीकरण कर इसका लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 78 साल बाद भी संपन्न दलित 95% नौकरी और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। मांझी ने आरक्षण की समीक्षा की मांग की है और कहा कि 18 जातियों को कम से कम 10% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने बिहार में भी हरियाणा के तर्ज पर आरक्षण में वर्गीकरण की आवश्यकता जताई है। साथ ही मांझी ने भारत बंद को गलत बताते हुए इसे विरोध की राजनीति का हिस्सा करार दिया। वहीं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं करते लेकिन जो वंचित रह गए हैं उनकी सुविधा की वकालत करते हैं। ऋषभ पंत ने थलाइवा अंदाज में कराया फोटोशूट। भारतीय क्रिकेट के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत जो मैदान पर अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं हाल ही में एक नई वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक शानदार तस्वीर शेयर की है जिसमें वे साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत के अंदाज में नजर आ रहे हैं। पंत ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है थलाइवा, जो कि रजनीकांत के लिए एक सम्मानजनक उपनाम है। इस पोस्ट में ऋषभ पंत रजनीकांत के सेम पोज में बैठे हुए हैं जो कि उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। पंत की पोस्ट को देख फैंस को पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का याद आ गया। धोनी ने भी साल 2016 में रजनीकांत जैसा एक फोटोशूट कराया था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम राजकिशोर महतो, सादुल्ला पलवी, छोटू रजा, मोहम्मद अरमान, रवि कुमार राम, मुन्ना प्रसाद, रंजू कुमारी, गुना शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, विजेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, रामनवमी माझी, संजीव कुमार, अवधेश यादव, शारदेन्दु पटेल, नौसाद रजा, सपना कुमारी, रजा कुमार, वेद प्रकाश सिंह, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है भारत बंद पर आपकी क्या राय है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।